हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेना सर्स क्लासेस। ओके, सो आज हम क्या करेंगे, एक तो हाइब्रिडेशन का जो पिछला वीडियो में हम पढ़े थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कैटायन के बारे में एंड एनायन के बारे में, कैसे आप इजी वे में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, पूरा क्लियर। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला था आपको, जो शेप के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो हाइब्रिडेशन का नेक्स्ट वीडियो ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, पूरा क्लियर। ओके, सो शेप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब देखो, जो ज्योमेट्री होता है कोई भी मॉलिक्यूल का, जो शेप होता है वो कितना डायमेंशन होता है, थ्री डायमेंशनल। ओके, पूरा क्लियर। ओके, सो थ्री डी उसका शेप होता है। सो अभी ये जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आता है जेई एंड नीट में। ओके, पूरा क्लियर। सो मॉलिक्यूल, सपोज मैंने लिया ए बी, फॉर एग्जांपल एक तो मॉलिक्यूल लिया में ए बी। ओके, सो ए बी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसको हम पहले निकाल चुके हैं बाई रेडीमेड मेथड। ओके, ऑलरेडी कौन सा हाइब्रिडेशन होगा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अभी देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन जानने के बाद वो जो मॉलिक्यूल ए बी है उसका शेप कैसा होगा, पूरा क्लियर। ओके, याद रखना बेटा, अभी मैं हम दो ठो शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक से समझना। दो ठो शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक तो है आपका नॉर्मल शेप एंड दूसरा है आपका एक्चुअल शेप, गॉट इट। ओके, सो तुम्हारा दिमाग में अभी एक क्वेश्चन चल रहा होगा, जे सर मॉलिक्यूल तो एक तो है, उसका शेप दो कैसे हुआ, पूरा क्लियर। ओके, सो अब इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल में नॉर्मल शेप जैसा है एक्चुअल शेप भी वैसा ही है, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल शेप एक रहेगा बट एक्चुअल शेप चेंज हो जाएगा, पूरा क्लियर। ओके, थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा और उसको तुमको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी पूछ देगा, कौन सा मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर है, पूरा क्लियर। ओके, सो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल जानने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले लिखा हम क्या, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सेकंड में मैंने लिखा नॉर्मल शेप, पूरा क्लियर, नॉर्मल शेप। ओके बेटा, क्लियर। सो सपोज यहाँ से शुरू करते हैं हम एसपी हाइब्रिडेशन। ओके, उसका नॉर्मल शेप होता है क्या, लीनियर, लीनियर होता है, जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या, एसपी टू, जिसका नॉर्मल शेप है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, पूरा क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्या, एसपी थ्री, इसका है मेरा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, पूरा क्लियर। ओके, नेक्स्ट है आपका एसपी थ्री डी, जो होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल। ओके, नेक्स्ट है आपका एसपी थ्री डी टू, इसका है आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, पूरा क्लियर। नेक्स्ट है आपका एसपी थ्री डी थ्री, उसका है आपका पेंटागोनल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पिरामिडल, पूरा क्लियर। ओके, ये हो गया हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ये हो गया हमारा नॉर्मल शेप, समझ में आया बेटा, पूरा क्लियर। जो मेन चीज में बोलना चाहता हूँ आपको, ये तो नॉर्मल शेप हो गया, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन को बेस करके उसका करस्पॉन्डिंग नॉर्मल शेप क्या होगा, पूरा क्लियर। ओके, लेकिन कभी कभी पूछ देगा जे इसका एक्चुअल शेप क्या होगा, सब हम देखेंगे कौन सा केस में एक्चुअल जहाँ नॉर्मल भी वही होगा एंड कौन सा केस में नॉर्मल एंड एक्चुअल अलग होगा, पूरा क्लियर। ओके, सो देखो कैसे निकालोगे आप, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ओके, सो जब हम दो ठो शेप देखेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर को कंसीडर करना है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, सपोज दो ठो मॉलिक्यूल मैंने लिया, सपोज इसको लिखा मैं मीथेन, पूरा क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या है, सी एच फोर, ये हो गया आपका क्या, मीथेन, पूरा क्लियर। उसका साइड बाई साइड मैंने और एक मॉलिक्यूल लेता हूँ नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया। ओके, सो एच एच एच, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर,
ओके पूरा क्लियर, अच्छे से देखना। सो ये मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, NH3, पूरा क्लियर। ओके सो ये हुआ मीथेन CH4, ये हुआ NH3 ओके मॉलिक्यूल। अभी इसको मैं जो फॉर्मूला आपको बोला था उसमें निकालो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 प्लस, कितना टू हाइड्रोजन लगा हुआ है 4, सो 4/2 8/2 इजिकल 4, पूरा क्लियर। ओके यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 5th ग्रुप का। ओके मैं बोला था आपको जो ग्रुप में जो एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी एटम का आउटरमोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके पूरा क्लियर। वैलेंस सेल का नीचे जो सेल है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल का नीचे जो सेल रहेगा उसको बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल, पूरा क्लियर। ओके सो अभी देखो ठीक से, सो नाइट्रोजन 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, सो उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, पूरा क्लियर। कितना टो हाइड्रोजन लगा हुआ है 3 टो प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, सो कितना हो गया 4, पूरा क्लियर। सो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड यहाँ पर भी आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पूरा क्लियर बेटा, अच्छे से समझना ठीक से देखो। ओके लेकिन अभी देखो इसका अगर हम बोलेंगे नॉर्मल से किसका, मीथेन का नॉर्मल शेप हो गया आपका क्या, अभी हम लिखे थे टेट्राहेड्रल, पूरा क्लियर, क्या लिखेंगे टेट्राहेड्रल। ओके अच्छे से देखो, यहाँ पर कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, कितना था 4, ओके एंड वो बॉन्ड कितना किया है 4 तो बॉन्ड किया है सिग्मा 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 सिग्मा, इसके पास बेटा और इलेक्ट्रॉन बचा क्या नहीं। ओके सो सेंट्रल एटम, कार्बन को हम क्या बोलेंगे सेंट्रल एटम, पूरा क्लियर, जिसका नंबर कम रहेगा मॉलिक्यूल में, पूरा क्लियर। सो सेंट्रल एटम के पास 4 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था एंड वही चारों इलेक्ट्रॉन्स ऑल आर बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजेंस, पूरा क्लियर। सो अभी कार्बन के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, पूरा क्लियर, जिसको हम क्या बोलते लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा क्लियर। ओके सो इसका नॉर्मल शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा एंड एक्चुअल शेप भी क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, पूरा क्लियर। ओके सो मैं क्या कहना चाहता हूँ, रूल क्या है, अगर अच्छे से लिखना इसको, अगर नोट करना चाहो तो मैं धीरे बोलता हूँ, आप नोट भी कर सकते हो, लिखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बिल्कुल नहीं है, मतलब ऑल आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बिल्कुल नहीं है, दैट मीन्स इन दैट केस नॉर्मल शेप जितना आएगा एक्चुअल शेप भी उतना ही आएगा बेटा। ओके अच्छे से देखना, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, अगर सेंट्रल एटम के पास अगर मेरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, ओके दैट मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजिकल टू कितना LP=0, लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है। ओके इन दैट केस, उसी केस में हम क्या बोलेंगे, द नॉर्मल शेप इज इक्वल टू माई एक्चुअल शेप, पूरा कंसेप्ट क्लियर। ओके कम टू अमोनिया, पूरा क्लियर, अच्छे से देखो, यहाँ पर भी क्या हाइब्रिडेशन है रे बेटा sp3, इसका भी नॉर्मल शेप क्या होगा, नॉर्मल इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके पूरा क्लियर, देखो नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसके पास मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5, पूरा क्लियर। ओके लेकिन वो 5 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन किया है 3 ठो, अच्छे से देखना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, उनमें से बॉन्ड कितना किया 3 ठो, बाकी नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं किया है। ओके सो कितना बचेगा 2 ठो, 5 ठो लिए थे 3 ठो बॉन्ड कर दिया, बाकी बचा कितना 2 ठो, वो एलोन
वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं किया है, इसलिए उसको हम कौन सा पेयर बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा क्लियर। ओके सॉरी, ओके सो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 5 तो था, उनमें से 3 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। ओके अभी बचा कितना, 2 तो, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पूरा क्लियर। ओके सो देखो मैं क्या बोला आपको, अच्छे से लिखना, देखो नोट करके लिखो, नोट करके बनाओ। इफ इन ए मॉलिक्यूल एटलीस्ट ए सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल एटलीस्ट मिनिमम कितना होना चाहिए, एक ठो। अगर एक ठो भी रहा, एक से ज़्यादा रहेगा तो उसका रूल अलग है, अगर मिनिमम एक ठो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। ओके सो क्या लिखा मैं, इफ इन ए मॉलिक्यूल एटलीस्ट ए सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन इन दैट केस द नॉर्मल शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू द एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके इसको अगर आप चाहो नोट करके लिख सकते हो। ओके बढ़िया पॉइंट है, देखो क्या लिखा मैं, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर एटलीस्ट एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। ओके सो मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्म क्या लिखा मैं, नॉर्मल शेप एंड एक्चुअल शेप वही मॉलिक्यूल का सेम नहीं होगा। अभी क्वेश्चन आ रहा है क्यों, ओके पूरा क्लियर। ये भी थ्योरी क्वेश्चन भी एंट्रेंस में पूछ देता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूरा क्लियर। ओके सो क्या करेंगे उसको, वो किस लिए हुआ, दो ठो शेप क्यों आया हमारा, देखो अच्छे से। बिकॉज VSEPR थ्योरी में ये हुआ है क्या, देखो ये मेरा लोन पेयर है, ये मेरा बॉन्ड पेयर है। पूरा क्लियर। सो पर्टिकुलरली इस मॉलिक्यूल में, अच्छे से देखना, पर्टिकुलरली इस मॉलिक्यूल में देखो कौन सा रिपल्शन होगा, देखो इधर है मेरा लोन पेयर, इधर है मेरा क्या, बॉन्ड पेयर। सो कौन सा रिपल्शन होगा, देखो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। पूरा क्लियर। ओके अगर इस साइड से भी होगा, इस साइड से भी रिपल्शन होगा। सो दैट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर रिपल्शन नहीं होता तो उसका नॉर्मल शेप कितना, कौन सा था, टेट्राहेड्रल, उसका एक्चुअल शेप भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके देखो ये लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर को पुश करेगा, रिपल्शन करेगा, ये बॉन्ड पेयर को भी क्या करेगा, पुश करेगा। सो दैट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, सो इसका जो नॉर्मल शेप था टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल होके नहीं रहेगा। ओके बिकॉज द शेप विल चेंज टू ए डिफरेंट फॉर्म। ओके दैट इज योर पिरामिडल। ओके पर्टिकुलर डोंट थिंक दैट हमेशा हर कोई मॉलिक्यूल का पिरामिडल शेप होगा, नो। ओके सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अ लोन पेयर। पूरा क्लियर। ओके फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके देखो सपोज हमने लिया वाटर, ओके H2O, ओके इधर O, इधर H, इधर भी H, पूरा क्लियर। H2O, इधर से पहले हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे, सेंट्रल एटम बेटा कौन सा है, ऑक्सीजन। ओके कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, वो सिक्स ग्रुप, वही रूल को हमेशा फॉलो करना, बहुत आसानी से तुम टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन निकाल दिए तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ अ लोन पेयर। पूरा क्लियर। सो देखो
इसका सेंट्रल एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, बिकॉज ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, सिक्स ग्रुप से। ओके, सो 6 + 2/2 कितना हुआ 8/2 = 4। पूरा क्लियर? ओके, देखो वेरिएशन, देखो मीथेन को डिस्कस किए, अमोनिया को डिस्कस किए, अभी हम करेंगे वाटर को। ओके, सो 4 ऑर्बिटल मीन्स कौन सा हाइब्रिडेशन आ गया बेटा, sp3। पूरा क्लियर? ओके, ठीक है, देखो सो हाइब्रिडेशन आ गया मेरा sp3। सो मतलब तुम्हारा दिमाग में आ गया होगा उसका नॉर्मल शेप कितना है, नॉर्मल शेप विल बी कितना, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो गया मेरा नॉर्मल शेप, मतलब जो sp3 का नॉर्मल शेप होता है। पूरा क्लियर? लेकिन अभी हम देखेंगे जो उसका जो वाटर का जो एक्चुअल शेप है वो वही टेट्राहेड्रल रहेगा ना किसमें चेंज हो जाएगा। पूरा क्लियर? ओके, देखो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना था 6, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था सेंट्रल एटम का 6, उनमें से बॉन्ड कितना किया 2। पूरा क्लियर? ओके, सो 6 - 2 और बच गया कितना इलेक्ट्रॉन 4। सो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना लोन पेयर हो गया 2। ओके, सो इसको हम यहीं पर लिखेंगे, ये 1, ये भी 1। ओके, इधर 1, इधर 1। पूरा क्लियर? ओके, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, सो मतलब ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, बट ये क्या है बॉन्ड पेयर, ये क्या है बेटा बॉन्ड पेयर। पूरा क्लियर? ओके, सो अभी देखो उसका नॉर्मल शेप क्या हुआ था हमारा टेट्राहेड्रल, लेकिन अब एक्चुअल शेप देखेंगे क्या होगा। ओके, सो देखो यहाँ पर मैं बोला अभी एटलीस्ट 1 लोन पेयर रहा तो रिपल्सन शुरू हो जाएगा। पूरा क्लियर? लेकिन अभी मेरे पास कितना लोन पेयर है 2। सो कौन सा रिपल्सन हो गया बेटा, लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। पूरा क्लियर? ओके, इधर मेरा लोन पेयर, इधर मेरा बॉन्ड पेयर, सो इसके अंदर भी रिपल्सन हो जाएगा। सो और एक क्या रिपल्सन होगा, लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर रिपल्सन। पूरा क्लियर? ओके, अभी हमको एक क्वेश्चन करना है, जे सर आप तो 3 टाइप का रिपल्सन बोल दिए, क्या क्या बोला मैं, लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, अगेन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। पूरा क्लियर? ओके, सो ये भी क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी। ओके, से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। ओके, पूरा क्लियर? कितना लोन पेयर है उसको बेस करके क्या क्या रिपल्सन आ सकता है। पूरा क्लियर? सो अभी मैं जनरली अगर हम लिखेंगे नोट करके, नोट बनाओ अगर जानना है, नोट लिख लो। ओके, सो लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। पूरा क्लियर बेटा? ओके, सो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसका रहता है, लोन पेयर सबसे कम किसका रहता है, बॉन्ड पेयर। पूरा क्लियर? ओके, सो ये हो गया हमारा। सो मतलब अभी ये जो वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर है, सो मतलब रिपल्सन भी उसी हिसाब से अमोनिया से ज़्यादा होगा। ओके, सो इसका नॉर्मल शेप हम क्या लिखे थे, नॉर्मल शेप हमने लिखा टेट्राहेड्रल, बट आप दोनों साइड से रिपल्सन होने से इसको स्क्वीज कर देगा वो। ओके, सो उसका एक्चुअल शेप क्या हो जाएगा, वी शेप्ड और इसको बोलते हैं एंगुलर से। पूरा क्लियर बेटा? ओके, क्लियर? सो इसको बेस करके तुम लोग डिसाइड कर सकते हो नॉर्मल शेप पे एक्चुअल शेप सेम रहेगा या अलग होगा। ये कंसेप्ट हो गया। अभी हम डायग्राम करेंगे वो जो 3 तो जो एंट्रेंस में ज़्यादा पूछता है। ओके, सो देखो sp3d का हाइब्रिडेशन क्या लिखे थे हम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, पूरा क्लियर? सो मैंने उसका डायग्राम खींचा, अभी देखो पूरा क्लियर? सपोज दिस इज माई सेंट्रल एटम X मैंने लिया। ओके, सपोज इसका 3D स्ट्रक्चर SI आएगा। पूरा क्लियर बेटा? ओके, सो अच्छे से देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। एक तो ट्रिक बताता हूँ आपको, सुनो, sp3d हाइब्रिडेशन, हर कोई हाइब्रिडेशन में देखो sp2 sp3, ओके,
उसका एंगल एक टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? एक टाइप का, चाहे वो जितना हो, रिपल्सन से पहले रिपल्सन के बाद, पूरा क्लियर। लेकिन जो sp3d एंड एक तो आपका क्या sp3d2 एंड sp3d3, ये जो तीनों हाइब्रिडेशन है, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर ये तीनों हाइब्रिडेशन आ गया तो याद रखना उसी मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप का अंदर एंगल रहेगा। कितना एंगल हो बात की बात है, ओके। दो टाइप का एंगल रहेगा, मतलब ये एक्सिस है, सो ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सियल एंगल। क्या बोलेंगे उसको? एक्सियल एंगल, पूरा क्लियर। एंड ये वाला जो एंगल है, ओके, इसको बोलेंगे इक्विटोरियल एंगल, इक्विटोरियल एंगल, पूरा क्लियर, ओके। सो दिस इज माई एक्सियल एंगल, ये हो गया एक्सियल एंगल, एंड ये हो गया मेरा क्या, इक्विटोरियल एंगल, पूरा क्लियर। सो दिस इज फॉर sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर इसको ज्वाइन करेंगे 3D स्ट्रक्चर ना, इसको तुम डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्यों? बिकॉज ब्लैक बोर्ड इज 2D, ओके, पूरा क्लियर। चलो कम टू द sp3d2, नेक्स्ट शेप आज डिस्कस करेंगे sp3d2 का, इसको हम क्या लिखे थे, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, पूरा क्लियर, ओके। कैसे चलेंगे उसको, देखो ये हो गया सेंट्रल एटम, सो उसका बॉन्ड पेयर ऐसा है, ऊपर एक नीचे, पूरा क्लियर, ओके। सो मतलब अभी देखो ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल, एंड ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल एंगल, पूरा क्लियर, ओके। आराम से कम टू लास्ट वन, दैट इज योर sp3d3। नेक्स्ट आ गया आपका क्या, sp3d3 हाइब्रिड, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसमें भी वही रहेगा, ओके। एक तो पेंटागन, पूरा क्लियर, ओके। दिस इज माई सेंट्रल एटम, ओके, इधर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा, पूरा क्लियर, ओके। सो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सियल एंगल, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल एंगल। सो मेरा मतलब है कि sp3d2 एंड sp3d3 में, ओके, दो टाइप का एंगल रहेगा, एक तो एक्सियल टाइप का एंगल, एक तो मेरा इक्विटोरियल टाइप का एंगल, पूरा क्लियर, ओके। सो आज के लिए इतना ही, हम डिस्कस कर लिए शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कहाँ पर नॉर्मल शेप रहेगा, कहाँ पर एक्चुअल शेप सेम रहेगा, अलग रहेगा, डिपेंडिंग अपन दी बट नंबर ऑफ लोन पेयर, पूरा क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में वील डिस्कस रिगार्डिंग एन अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज योर फाजांस रूल, दैट इज योर फाजांस रूल, पूरा क्लियर, ओके। आज के लिए इतना, चलो थैंक यू।